हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज देखिए दो आर्टिकल हैं विच वी आर गोना डिस्कस। यहाँ पे मास्टर शेफ एंड ऑल आरबीआई को अभी भी वही बात हो रही है कि अभी भी वो जो अकोमोडेटिव स्टैंड रख रहे हैं पर इन्फ्लेशन हो रहा है उस पर है। यूएबीए के ये डिफरेंट एक्ट्स बताए गए कि उसमें क्या हुआ, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। देन नीचे आरएसएस यहाँ पे से भी अभी मतलब प्रॉपर कुछ हमारे आंसर राइटिंग के लिए डिस्कस करने लायक मैटर नहीं था। यहाँ पे मुझे आपको सिर्फ प्री के भी नहीं रिलेटेड एक न्यूज़ देनी थी बस आपको अभी जो आई है कि जो पीए वो के पी ओली उनकी सरकार को हटा के सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है नेपाल की कि जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी इनसे कहा गया है कि जो शेर बहादुर दियोबा हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए और फिर उनके बाद उनको फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी बतानी पड़ेगी कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, बस इतना अपनी मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी फोर ऑफ द हाउस में। तो वही है कि अभी ऑथर ये कह रहे हैं कि अभी जो यहाँ की देखो के पी ओली जब रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहा है, इनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रही हैं, कभी हमारे मैप में हो गया हमारा दिक्कत कि यहाँ पे ये यहाँ पे बहुत सारी हुई हैं का डिस्प्यूट्स हुई हैं। ठीक है, आई थिंक काला पानी डिस्प्यूट थी, आई एम नॉट श्योर। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे ऑथर यही कह रहे हैं कि हाँ काला पानी के ही ओरिजिन से हुआ था कि रिवर काली घास से उस पर मैटर हुआ था। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन है कि इंडिया को अभी हाई अलर्ट पे रहन चाइनीज़ आर्मी के साथ है ईस्टर्न लद्दाख में, तो अगर एक फ्रेंड काठमांडू में मिलता है तो ये अच्छी ही चीज़ है, बट ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल ओवर रिलायंस हो जाएँ चाइनीज़ वो नेपाल की गवर्नमेंट के साथ कि बिल्कुल अरे हमें दोस्त मिल गए। ठीक है, इंडिया को इतना ज़्यादा ऑथर कह रहे हैं डिस्टेंस अपना प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही आईटी न्यू मिनिस्ट्री आई है उनके बारे में बात हो रही, जैसे अभी उसको एक दिन पहले हेल्थ मिनिस्ट्री पे एक आया था, अब न्यू आईटी मिनिस्ट्री पे आया कि इनको क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि जो आईटी रूल्स आए थे उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं, तो उस पर ये आर्टिकल है। देखते हैं, इसमें कहा गया है कि कुछ इशूज़ हैं। ठीक है, पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि एक्सेस का, इंटरनेट का, जो अभी जो न्यू मिनिस्ट्रीज को ये देखना पड़ेगा कि एक्सेस नहीं मिल पा रहा है लोगों को इंटरनेट। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट भी आई थी, यहाँ पे एक देखो लेटेस्ट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिपोर्ट आई थी कि रूरल पेनिट्रेशन बहुत कम है। सोचो 34% है, उसमें भी सिर्फ 1/3 के, नॉट इवन 1/3 ऑफ द अर्बन पेनिट्रेशन है। सोच रहे हो कितना कम है, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स ही नहीं है रूरल एरिया में, तो फ़ोन नहीं होता। इसमें आप फीमेल का एस्पेक्ट भी डाल सकते हैं, रिसर्च करिए, जानिए गूगल पे, आप अपनी क्यूरियोसिटी से बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग कर सकते हैं कि इसमें फीमेल्स के पास कितना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आता है फीमेल्स के पास इवन इंटरनेट कनेक्शन के फ़ोन भी बहुत कम है। ठीक है, रूरल पेनिट्रेशन कम है, इवन जो गवर्नमेंट की स्कीम चली वो भी बहुत लो पे चल रही, चाहे पीएम दिशा देख लें, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्तता अभियान, इसमें भी आइडेंटिफाई सिर्फ 4.54 करोड़ कैंडिडेट्स को किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा लो है। इसमें भी सिर्फ 2.71 करोड़ कैंडिडेट्स हैं जिनको सर्टिफाई कर दिया गया। दूसरा इशू ये है कि इंटरनेट शटडाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 2012 से 2019 में देखा जाए तो 374 टाइम्स हुए शटडाउन, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि पब्लिकेशन देना पड़ेगा आपको इंटरनेट शटडाउन का। आप ये कुछ केसेस हैं इसमें प्री में आ सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज भी लगाए होंगे अगर तो वहाँ पे आए होंगे कि ये केस है, उसका जजमेंट तो ये था कि ये याद रखिएगा कि अनुराधा भसीन जी के केस में एक आ गया था कि अगर आप शटडाउन करेंगे तो आपको उसके लिए पब्लिकेशन देना पड़ेगा। फाइनली डिस्पाइट बीइंग लार्ज पब्लिक मूवमेंट फॉर नेट न्यूट्रैलिटी इन इंडियन ईयर्स अगो, इन्फोर्समेंट बॉडी रिकमेंडेड बाई ट्राई इज येट टू बी फॉर्म। जो नेट न्यूट्रैलिटी हम लोग चाहते हैं वो अभी तक नहीं आ पा रही, जो ट्राई निकालने की इन्फोर्समेंट बॉडी वो अभी तक भी नहीं बनी है। ठीक है, अब ऑथर कह रहे हैं कि जो नए आईटी रूल्स आए हैं ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटिव आए हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंटरनेट शटडाउन हो, इंडिया का इंटरनेट हो, बहुत ज़्यादा रेगुलेटिव हो रहे हैं। हाउएवर दे इमर्ज फ्रॉम अ एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि हाँ अभी आपने कुछ दिन पहले इसके क्रिटिसिज्म में भी देखा हो कि ये पावर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर है ही नहीं, तो वो कैसे इस क्लियर लेजिस्लेटिव पावर के अंदर एक्ट बना रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। इट इज़ नो वन केस दैट सोशल मीडिया इज़ परफेक्ट, बट दैट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम प्रेजेंटेड बाई इट रिक्वायर्स लार्ज सोशल रिफॉर्म्स विच रिकोगनाइज इट्स यूटिलिटी टू वॉक टूअर्ड सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। आई टी रूल्स को ऑथर के अकॉर्डिंग विथड्रॉन कर अभी विदड्रॉ कर लेना चाहिए जब तक एक हमें एक कम्प्रिहेंसिव डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क ना हो, तब तक आप लाइबिलिटी लगाएं तो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जजमेंट है श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उस तरह से कैन बी रेगुलेट लाइबिलिटी आप रेगुलेट कर सकते हैं जो लेजिस्लेशन आए हैं और जो लाइन डिफाइन करी गई है। ठीक है, आप ये केस क्या है ये मुझे आपको बताना था, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कागज है।
इसमें ये कहा गया था सेक्शन 66 डेल, इसमें सेक्शन 66 की मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उसको देखा गया था। उसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 66 ए डेल करता है क्राइम से रिलेटेड टू क्राइम्स इन विच सेंडिंग इन्फॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स और अ कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ इंटर लाइक ऑफेंसिव डेरोगेटरी एंड मीनांसिंग इज मेड अ पनिशेबल ऑफेंस। पर ये इस बात को जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखी थी और इस केस में ये बोला गया था कि ऑब्जर्व किया गया था कि वीकनेस इज सेक्शन 66 ए की ले इन द फैक्ट दैट इट हैड क्रिएटेड एन ऑफेंस जिसमें एक क्लियर लाइन नहीं दी हुई अनडिफाइंड एक्शन है कि इनकन्वीनियंस डेंजरस ऑब्स्ट्रक्शन इंसल्ट है क्या एंड विच डिड नॉट फॉल अमंग द एक्सेप्शन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपने आर्टिकल 19 सुना होगा कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस किस तरह से आप एक्सेप्शन में कटेल भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यही कहा था कि ये एक्सेप्शन के अंदर नहीं आता है तो आपको उस डिफाइंड लाइन में करना चाहिए। आप क्या क्या कर सकते हैं, आप लास्ट पहले तो IT एक्ट आप ला के लोगों पर थोप दिए हैं ऑथर के अकॉर्डिंग, पहले तो आप इसको कंडक्ट करिए, लास्ट से कंसल्टेशन तो लाइए ना, आप पार्टिसिपेट करिए ट्विटर एंड ऑल के साथ, आप बैठिए बात की ना, सीधे ब्लॉक कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, सीधे कंट्रोल लाएंगे ना तो ये बिग टेक्स को भी काम करने में दिक्कतें होंगी, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब आगे उत्तर कह रहे हैं जो जॉइंट पार्लियामेंटिंग कमेटी को जो पायलट किया था मीनाक्षी लेखी ने, अब इनको चेंज ऑफ लीडरशिप मिली गई है क्योंकि अभी ये मिनिस्ट्रियल में आ गई हैं। तो सो डज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT हैव अ प्लान टू एड्रेस प्राइवेसी। उत्तर के अब तो ये मिनिस्ट्री में आ गई तो क्या इनके पास कोई प्राइवेसी रिस्क डील करने के लिए कोई सोल्यूशन है कि नहीं है कि इंडिया कैसे कनेक्ट रहे सर्विसेज से और अनरेगुलेटेड इंडिया कनेक्ट रहे वाइल सर्विसेज गैदर यूजर डाटा इन अ कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड मैनर। इंडिया कैसे कनेक्ट रहे, कैसे अनरेगुलेटेड मैनर को कंट्रोल किया जाए, एक क्लियर बैलेंस बनाया जाए रेगुलेशन के बीच और फ्रीडम के बीच भी। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है कि एक प्रोबिंग क्वेश्चन है कि रादर देन नैरो पर्सनैलिटी एनालिसिस ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री इज वाइटल। ऑथर ने कहा है कि अभी जो नैरो पर्सनैलिटी एनालिसिस ज़्यादा अच्छा है कि आप एक वाइडर अप्रोच लीजिए इसको, जो न्यू मिनिस्ट्री आई है जिसको देखना पड़ेगा कि इंडियन इंटरनेट को एक हेल्दी फोरम्स में लाया जाए। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में भी एनशाइन किया गया था, यही रिफ्लेक्ट हुआ G7 की अभी एक ओपन सोसाइटी डिक्लेरेशन हुई जिसमें इंडिया भी पार्टी था, जिसमें सबसे मतलब पहला पॉइंट यही था कि ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अभी कोविड के टाइम पे डिजिटल मीडिया हैज़ टेकन अ वेरी बिग लीप। सो यही चीज़ कही गई थी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, दिस इज़ ऑन डिजिटल मीडिया, दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कीप रिव्यूइंग कि क्या एनालिसिस में क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या और चाहिए ताकि मैं उसे चेंज कर सकूँ, रिफॉर्म्स कर सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।